दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ट्राई कलर इडली की रेसिपी, जिसे मैंने केक मोल्ड में बिना कलर के, बिना इडली मेकर के और बिना अवन के बनाया है। और ये देखो आप, ये कितना सॉफ्ट है, तो इसे एक बार ट्राई जरूर करना। और इसे मैंने बहुत ही कम चीजों में बनाया है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि बेहतरीन रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं ट्राई कलर इडली के लिए। यहाँ पे हम एक बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे आधा कप उड़द दाल, और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए सोक कर देंगे। अब एक दूसरा बोल लेंगे और उसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। आप ये रेसिपी सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं। और इसमें आधा कप के करीब दही डाल देंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ले लेंगे, क्योंकि सूजी को हमें फुलाना है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहा है अभी। ये मिक्स हो गया है तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 1 घंटे के बाद उड़द दाल फूल गया है। उड़द दाल को फूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये देखिए, इसके दाने बड़े बड़े हो गए हैं। और सूजी को भी फूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, तो दोनों इंग्रेडिएंट्स रेडी है। हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें उड़द दाल को ट्रांसफर कर देंगे। उड़द दाल ट्रांसफर करने के बाद अब हम सेम जार में सोक किए हुए सेमोलिना यानी कि सूजी को भी डाल देंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा बैटर रेडी। तो बैटर को हमें इडली के बैटर की तरह बनाना है, यानी कि इसका थिकनेस जो है उतना ही रहना चाहिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम बैटर को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग पाउडर के जगह पे। दही के साथ बेकिंग पाउडर फर्मेंटेशन का काम करता है, यानी कि ये फर्मेंट कर देगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि ये थोड़ा अच्छे से फर्मेंट हो जाए और आपकी इडली अच्छे से सॉफ्ट बने। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है, आइए हम बाकी की चीज़ों को देख लें। तो ग्रीन कलर के लिए हम यहाँ पे मटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें मटर को डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 या 2 ग्रीन चिली। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 या 2 छोटे चम्मच पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा पेस्ट बनकर तैयार। अब हम एक पैन ले लेंगे, तड़का पैन। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल के हिट होने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सरसों और 6-7 करी लीव्स, और फिर इसे अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। करी लीव्स और राई जो है अच्छे से स्प्लटर हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस स्टोव को बंद कर देंगे और अब इसे इडली के बैटर में डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे और उस बोल में निकालेंगे थोड़ा सा व्हाइट बैटर सफेद कलर के लिए। तो ये हो गया हमारा व्हाइट रंग के लिए बैटर। अब इसे एक तरफ रख देंगे और दूसरा बोल ले लेंगे। इस बोल में मैंने पहले से ही गाजर को ग्रेट करके लिया था केसरिया रंग के लिए।
अब इसमें भी हम थोड़ा सा इडली के बैटर को ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हो गया हमारा केसरिया रस तैयार। अब तीसरा बोल ले लेंगे और उसमें हरे रंग के लिए यहां पे हम डाल देंगे पीसे हुए मटर को। अब इस बोल में भी हम इडली के बैटर को ले लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, सारे चीज़ नेचुरल है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया हमारा ग्रीन कलर रेडी। तो ये हो गया हमारा तिरंगा इडली का बैटर तैयार। बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई पैन या कुकर में थोड़ा सा पानी लेके हीट होने को रख देंगे। जब तक कढ़ाई में पानी गर्म होता है हम यहाँ पे एक केक मोल्ड ले लेंगे। मैं यहाँ पे इडली मेकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। केक मोल्ड में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर चिपके ना। अब बैटर को केक मोल्ड में डाल देंगे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बेहतरीन रेसिपीज पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे एक एक इडली अलग अलग कलर का बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक ही इडली तीन कलर का बना सकते हैं। जैसे कि एक इडली मैं तिरंगा कलर का बना रही हूँ। पहले आप डालें ग्रीन वाला बैटर, बिल्कुल अपने फ्लैग के कलर जैसा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर डालेंगे वाइट बैटर, और फिर उसके बाद और सबसे ऊपर जाएगा केसरिया बैटर यानी कि ऑरेंज कलर। तो दोस्तों हो गया ना ये झंडे वाला कलर यानी कि तिरंगा इडली। अब इधर पानी भी गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सावधानी के साथ केक मोल्ड को इस पर रख देंगे। अब इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। 10 से 12 मिनट के बाद इसके कवर को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इडलियां फूल गई हैं, बिल्कुल अच्छे से पक भी गई हैं। गैस स्टोव को बंद कर देंगे इस टाइम पे और फिर से इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब सावधानी के साथ हम मोल्ड को निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब टूथपिक टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पक गया है। अब हम साइड्स को एक चाकू के हेल्प से कट कर लेंगे और फिर इडलियों को निकाल लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये इडली। बाकी के इडलियों को भी हम सेम तरीके से निकालेंगे। तो ये हो गई हमारी ट्राई कलर के इडली बिल्कुल तैयार। इसे एक प्लेट में सर्व करें अपने पसंद की चटनी या फिर सॉस के साथ। तो दोस्तों हो गया हमारा तिरंगा इडली बनकर तैयार। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी रिपब्लिक डे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक।